हेलो गाइस, कैसे आप? जोगिंदरपाल चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम क्या वीडियो शुरू करते हैं, और चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को आप प्रेस करिए। तो हमारा ये जो सवाल है, इसमें पहला सवाल देने वाला है, सवाल नंबर एक हमारे समय रहने वाला है, 100 फीट वर्ग फीट में कितने इंच होते हैं? 2, 100 वर्ग कितने वर्ग सेंटीमीटर होते हैं? 3, 100 वर्ग फीट में कितने वर्ग सूत्र होते हैं? 4th सवाल, 100 वर्ग फीट में कितने वर्ग मिलीमीटर होते हैं? तो चलिए पहला सवाल शुरू करते हैं। 100 वर्ग फुट में कितने वर्ग इंच होते हैं? 1 फीट बराबर 12 इंच, और जब इसको इस फीट को इस प्रकार लिखा जाएगा, 12 इधर के 12 इधर के, तो 12 गुणा 12 बराबर 144 इंच स्क्वायर होंगे। तो 1 फीट बराबर 144 वर्ग इंच, और 100 फीट बराबर 100 गुणा 144 बराबर 14,400 वर्ग इंच होंगे 100 वर्ग फीट में। 2, 100 वर्ग फीट में कितने वर्ग सेंटीमीटर होते हैं? अब देखना यह है कि 1 वर्ग फीट बराबर होते हैं 929.03304, यहाँ पर दशमलव है, वर्ग सेंटीमीटर। कैसे होते हैं? इस प्रकार होते हैं कि 1 फीट में 30.48 सेंटीमीटर इधर के, और इसी फीट में 30.48 सेंटीमीटर इधर के। जब 30.48 और 30.48 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 929.0304 आ जाएगा। तो 100 फीट में, अब 1 वर्ग फीट बराबर 929.0304 सेंटीमीटर, और 100 वर्ग फीट बराबर 100 गुणा 929.0304 बराबर 929.0304, 29,903.4 वर्ग सेंटीमीटर होंगे। तीसरा सवाल, 100 वर्ग फीट में कितने वर्ग सूत होते हैं? अब 1 वर्ग फीट बराबर कितने सूत होते हैं? 9,216 सूत। कैसे भला? यहाँ देखते हैं, 1 फीट में 96 सूत इधर होते हैं और 96 सूत इधर। जब 96 गुणा 96 करेंगे तो ये 9,216 आ जाएगा, जो कि 12 इंच होते हैं, और 1 इंच में 1 इंच बराबर 8
सूत और 12 गुणा 8, 12 इंच होते हैं, 12 गुणा 8 बराबर 56, इस प्रकार से। तो 1 फिट बराबर इतने और 100 फिट बराबर कितने, 100 फिट बराबर 100 गुणा 92 16 बराबर 92 16 00 92 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 921,600 सूत होंगे। सवाल नंबर 4 देख लेते हैं। 100 वर्ग फीट में कितने वर्ग मिलीमीटर होते हैं? अब एक सवाल नंबर 4, एक फीट बराबर कितने वर्ग मिलीमीटर, ये हो जाएंगे एक वर्ग फीट में मिलीमीटर होंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यार, 29.48 × 30.48 बराबर हो जाएगा 929.03 04। और अगर मिलीमीटर की बात की जाए, 1 सेंटीमीटर बराबर 10.1000, तो ये मिलीमीटर होंगे इसमें, एक गज फीट मीटर, 1 फीट बराबर मिलीमीटर, 92,903.04 इतने इसमें मिलीमीटर होंगे, एक फिट में इतने मिलीमीटर होंगे। तो अब 100 फिट में कितने होंगे, 100 फिट में मिलीमीटर बराबर 100 × 92,903.04 बराबर, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 92,903.04 मिलीमीटर होंगे। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 92,90,304 वर्ग मिलीमीटर होंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।